हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एन यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन करने के लिए यूपीएससी ने सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर अडॉप्ट किया है जिसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एस कहते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस इंटरव्यू के कंप्लीट फाइव डेज के प्रोसेस के बारे में दोस्तों एस जो की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है जो की पांच दिन तक चलता है और उसमें सभी कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है और इनिशियट जजमेंट अलर्टनेस फिजिकल फिटनेस एंडोरेंस कोऑपरेशन ग्रुप प्लानिंग नॉलेज एक्सेट्रा इन सभी की नॉलेज वहाँ पर आपकी असेस की जाती है इसी के साथ कैंडिडेट की मेंटल और साइकोलॉजिकल एबिलिटी वहाँ पर देखी जाती है जिसमें पर्सनालिटी के ओवरऑल असेसमेंट के साथ ही साथ एग्जॉस्टिव पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है तो चलिए अब हम आपको पाँचों दिनों के प्रोसेस के बारे में बता देते हैं सबसे पहले मैं आपको डे जीरो जो कि आपका रिपोर्टिंग डे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कैंडिडेट को बोर्ड के रेस्पेक्टिव पिक करने के बाद बोर्ड एरिया में अकोमोडेट किया जाता है और उसके बाद उन सभी को एट टू टेन ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें चेस्ट नंबर दे देते हैं जो की कैंडिडेट्स को एस इंटरव्यू के दौरान पहनना कंपल्सरी होता है इसके बाद सभी कैंडिडेट पी यानी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी को फिल करते हैं यह फॉर्म फर्दर असेसमेंट के काम में लिया जाता है और डे का एंड डीएसओ द्वारा ओपनिंग

अपने व्यूज प्रेजेंट करने के बाद एक कॉमन स्टोरी पर भी पहुंचना होता है ग्रुप टेस्ट का रिजल्ट लंच के बाद डिक्लेयर करके स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाता है यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इसके लंच के बाद बाहर हो जाते हैं उन्हें से सम्मान वो वापस भेज देते हैं और जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं उनको फर्दर डॉक्यूमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है इसके बाद हम बात करेंगे डे टू यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की एस इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को डे टू में फोर डिफरेंट टेस्ट देने होते हैं जिसमें सबसे पहला टेस्ट है थीमेटिक टेस्ट सेकंड है वर्ड टेस्ट वन, टेस्ट में आपको ट्वेल्व डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिन पर आपको ट्वेल्व स्टोरीज लिखनी होती है जिनमें से इलेवन पिक्चर्स क्लियर होती हैं और जो लास्ट की ट्वेल्थ यानी कि लास्ट की वन पिक्चर होती है वो ब्लैंक होती है सारी

30 सेकंड्स में आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं जो कि आपके सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड होते हैं जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं नंबर फोर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कैंडिडेट्स को 15 मिनट्स दिए जाते हैं ताकि वो फाइव टॉपिक्स पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकें जिसमें वट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू वट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू वट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड वट पर्सन वुड लाइक टू बी इंक्लूडेड है तो डे टू में आपके ये चार टेस्ट होते हैं अब हम बात करेंगे डे थ्री एंड डे फोर की इसमें आपको जी टास्क दिया जाता है जो कि एस इंटरव्यू का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है जी टी टास्किंग में टोटल नाइन टास्क होते हैं जिनके नाम है ग्रुप डिस्कशन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हाफ ग्रुप टास्क ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस कमांड टास्क इंडिविजल लेक्चरेट फाइनल ग्रुप टास्क ये सभी आपके वहां पर जीटीओ टास्किंग में आपको टास्क दिए जाते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे GTO one, की. के लिए को होता है टी जीटीओ ऑफिसर ग्रुप में दो टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाता है जिसमे से कैंडिडेट्स को दो टॉपिक में से एक टॉपिक चूज करना होता है जबकि दूसरा टॉपिक जीटीओ ऑफिसर की चॉइस का होता है ये टेस्ट 15 टू 20 मिनट्स का होता है और इसमें सभी

से पंद्रह मिनट तक कराते हैं जिसका सोलूशन एक नॉमिनेटिव कैंडिडेट को देना होता है जो की बताए जाते हैं इस टास्क को करने के लिए लगभग 40 टू 45 फाइव मिनट अलॉट किए जाते हैं जिसमे ग्रुप को कुछ रूल जैसे की कलर कोडिंग रूल ग्रुप रूल एक्सेट्रा फॉलो करने होते हैं जी द्वारा ग्रुप का कुछ हेल्पिंग मटेरियल जैसे कि रस्सी पट्टा बाली और रोड जैसे कि ड्रम भी दिए जाते हैं अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज नंबर फोर यानी कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की ये टास्क सारे ग्रुप के बीच में एक रेस की तरह होता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स को अपने अपने ग्रुप के के साथ रोल एक स्नेक की तरह दिखाना होता है उसे लेकर टोटल क्रॉस करते हैं और इस रेस में कई रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसे ब्रेक करने पर ग्रुप को पेनालाइज भी किया जाता है और फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले ग्रुप को विनर घोषित किया जाता है अब हम बात करेंगे जीटीओ टास्क सीरीज नंबर फाइव यानी की हाफ ग्रुप टास्क की इस टास्क में

कार्ड कैंडिडेट्स को देता है जिसे लेकर वो ग्रुप्स के थोड़ी दूर जाकर एक प्रैक्टिस करता है उसी दौरान एक अन्य कैंडिडेट अपने टॉपिक पर अपना लेक्चर प्रदर्शित करता है एक कार्ड में टोटल चार जिसमें से कैंडिडेट्स को एक टॉपिक चूज करना होता है अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज नंबर सेवन यानी कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अपने नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है जिसमें अलग अलग डिफिकल्टी और अलग अलग ऑब्सटेकल आपके सामने होते हैं हर ऑब्स्टिकल एक डेजिग्नेटिव मार्क्स यानी कि नंबरों का होता है जो कि टोटल 55 मार्क्स का होता है और कैंडिडेट्स को टोटल थ्री मिनट्स के अंदर उसे कमांडर तो डेजिग्नेट किया जाता है और बाकी दो कैंडिडेट उसे असिस्ट करते हैं जी कमांडर उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टास्क अलाउट करता है जिसका टाइम ड्यूरेशन यूजअली फिफ्टीन मिनट्स का होता है और ग्रुप के हर एक कैंडिडेट्स को कमांडर बनने का मौका दिया जाता है अब हम बात करेंगे जी सीरीज के सबसे आखिरी टास्क यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क की जैसा कि इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग एक फाइनल आउटडोर टास्क होता है जो कि ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है इसके लिए टाइम 10 टू 20 मिनट्स होता है और इसमें एक ही ऑब्स्टिकल दिया जाता है जो कि टीजी टीम में दिए गए ऑब्स्टिकल के नेचर का होता है अब हम आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहेंगे सभी कैंडिडेट्स की इंटरव्यू टेस्टिंग डे टू से डे फोर तक वन बाय वन की जाती है और ये टेस्टिंग साइकोलॉजी और जी के ही होती है कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू साइमलटेनियसली एक ही ड्यूरेशन थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट है और उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में एक एक करके एस बोर्ड ऑफिसर के सामने जाना होता है कॉन्फ्रेंस हॉल में बोर्ड के ऑफिसर अपने यूनिफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनमें से कोई भी ऑफिसर कैंडिडेट को बेसिक क्वेश्चंस करते हैं कॉन्फ्रेंस के बाद कैंडिडेट्स को रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन के बारे में बता दिया जाता है यानी कि उनका रिजल्ट उनको बता दिया जाता है और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके बाद उन्हें फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है और जो बाकी के अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं यानी कि जो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं उन्हें रेस्पेक्टिवली रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया जाता है तो ये पूरा प्रोसेस एस एस बी इंटरव्यू का बिल्कुल सेम रहता है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जो आपके फ्रेंड्स एस एस बी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके तो आज की वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया